सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने की। शहर में मिठाई, खाना और अन्य व्यंजन बनाने वाले व्यवसायियों को भी इस कार्यशाला में शामिल किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में FSSAI द्वारा इट राइट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के बारे में फूड वेंडरों एवं मिठाई, खाना और अन्य व्यंजन व्यवसायियों को अवगत करवाया गया और ये प्रतियोगिता किस लिए आयोजित की जा रही है इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर उपस्थित व्यवसायियों ने भी खाद्य सुरक्षा विभाग को साथ देने का वायदा किया। अधिक जानकारी देते हुए एलडी ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में इट राइट प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य व्यंजन बनाने वाले व्यवसायियों को अधिक से अधिक जागरूक करना है ताकि वे विभाग के पास अपना पंजीकरण करवाकर लाइसेंस प्राप्त करें और विभाग के दिशा निर्देशों की पालना कर ग्राहकों को ऐसे व्यंजन परोसे जिससे वे स्वस्थ रहें और उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी 12 जिले भाग ले रहे हैं। जो जिला बेहतरीन कार्य करेगा और जिले में अच्छा और स्वच्छ खाना मिलेगा वे जिला अव्वल होगा। यही वजह है कि शहर में मिठाई और व्यंजन विक्रेताओं को लाइसेंस और पंजीकरण करवाकर इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है। ईट राइट चैलेंज में जो सारे इनिशिएटिव हैं, FSSAI की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए, रुको रुको में कितने FBO आपने पार्टिसिपेट करने लग गए, और ये जो जितने भी इनिशिएटिव हैं उनका एक इकट्ठा करके जो भी स्कोर बनेगा उस डिस्ट्रिक्ट को उतने मार्क्स मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 12 चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें सोलन डिस्ट्रिक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसमें है कि हमने जो लोगों का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जितने हैं उसमें नंबर बढ़ाना है, और जो आज ये जो हमने एक दिन का रखा था कैंप यहाँ, वो इसलिए था कि किसी के लाइसेंस में अगर कोई गड़बड़ है और वो पुराने FLRS सिस्टम से अपना डाटा नए FOSCO सिस्टम में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसमें उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और फूड कैटेगरी, वो कौन कौन सी कैटेगरी का बिजनेस कर रहा है, लाइसेंस में वो कोई दूसरी कैटेगरी लिख देता है, इसलिए उस की डिटेल में डिस्कशन के लिए, और किसी का अगर साइबर कैफे लोकमित्र के अंदर कहीं से भी नहीं हो रहा है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो हम आज दफ्तर से अपलोड करेंगे, तो शाम तक यही प्रोसेस चलेगा। इसी बारे में अवेयरनेस, मेनली एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें डिफरेंट FBO आए थे और उनको हमने रुको और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के बारे में अवेयर किया। मेन और एक्ट का भी, FSSAI का भी एक ही उद्देश्य है कि जो कंज्यूमर है उसको सेफ एंड हेल्दी फूड मिले। तो उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए FSSAI ने जो जो इनिशिएटिव किए हैं कि लोगों की जो खाना बनाने वाले उनकी ट्रेनिंग हो, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग FOSTECH के तहत ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जो तेल है जिससे बीमारियां फैलती है उसको रुको इनिशिएटिव के द्वारा हम फूड चेन से उसको बाहर कर रहे हैं, और जो अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है हाइजीन के प्रति, वो लोगों को जगह जगह जाके अवेयर करेंगे।